फर्स्ट बेंच डन और कोई आ रहा है क्या कि सब एग्जाम दे के आ गया तुम लोग हो गया एग्जाम वेरी गुड बढ़िया ग्यारह बजे हो गया था दस बजे गया ग्यारह बजे एग्जाम खत्म पहुंचा भी आधी घंटा लेट काश का सीए का एग्जाम भी तुम लोग के लिए ऐसा ही हो जाए फिर इज्जत नहीं रहेगा तुम लोग का ठीक चलिए हाँ तुम पढ़ो उतना अच्छा से कि तुम्हारे लिए उतना इजी हो जाए बट एक घंटे में तो नहीं खत्म होगा हम भी लिखने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे एमसीक्यू तो नहीं होगा सुनिएगा इंश्योरेंस क्लेम आज कंप्लीट करेंगे हम लोग एंड वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे डिपार्टमेंट ठीक है पहले इंश्योरेंस क्लेम सल्टाते हैं कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से नया चैप्टर का सोचेंगे जो लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं नेक्स्ट डे से क्लासेस विल बी शिफ्टेड टू एप्लीकेशन तो जितने भी बच्चे लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं गेट योर एप्लीकेशन रेडी बाई दी नेक्स्ट क्लास यानी मंडे तक ट so तुम लोगों को क्लासेस करने में प्रॉब्लम ना हो नो लिंक विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड मतलब नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ठीक डन चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था नाइनटीन मैंने बोला था सेम है सिक्सटीन है क्या सेम है 16 था एक चीज का डिफरेंस था क्या चीज का वेरी गुड अगर वो पढ़ लिया तो तुमने क्वेश्चन सही बना लिया अदरवाइज क्वेश्चन में लास्ट में जाके गलती कर दोगे रामदा इन सन्स है आउट पॉलिसीज विदउट एवरेज क्लॉज यानी पॉलिसी में एवरेज क्लॉज नहीं है अगर पॉलिसी में एवरेज क्लॉज ही नहीं है तो जब आप क्लेम कैलकुलेट करेंगे तो लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवरेज लोअर एवरेज क्लॉज गलती से भी मत लगाइएगा कितना जन गलती से गलती कर दिया एवरेज क्लॉज लगा दिया नहीं जो भी पहले लगाया था हाथ उठाओ लंबा करके हाथ उठाओ डन ठीक है क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन भी सही से नहीं पढ़ेंगे हम लोग अगर ऐसा कहीं बीच में लिखा होता तो मैं बोलता चल छूट जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ दी क्वेश्चन और वो भी ब्रैकेट्स में अलग से तुमको करके दिया है और वो तुम लोग से छूट जाएगा तो मुश्किल कर देगा पढ़ा अंडरलाइन किया था तो भी गलती कर दिया रे फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब क्वेश्चन बोल दिया विदाउट एवरेज क्लॉज तो फिर अपने झगड़ा नहीं कर सकते जो क्वेश्चन बोला वो एकदम सही है डन आगे अगेंस्ट लॉस दो दस एंड तीन बीस रेस्पेक्टिवली ये दो दस और तीन बीस क्या है पॉलिसी वैल्यू अब फायर ऑकर्ड ऑन फर्स्ट जुलाई दो हजार ग्यारह एक जुलाई दो हजार ग्यारह को आग लगा एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्स वेयर सीरियसली इफेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स महीना के लिए सेल्स इफेक्टेड था तो सुनना दिस लोकेशन एक जुलाई से लेकर एक अक्टूबर बोल दे या तीस सितंबर बोल दे दोनों एक ही बात है एक जुलाई से एक अक्टूबर या तीस सितंबर आगे कंपनी का लास्ट ईयर का ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आपको दिया है लास्ट ईयर का आग लगने से पहले वाले साल का सब कुछ दिया हुआ है नॉर्मली आप पढ़ना चाहे पढ़ ले आगे फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड सबसे पहले सेल्स परचेज वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फ्रॉम वन फोर इलेवन टू तीस छ इलेवन बिगिनिंग से टिल द डेट ऑफ फायर यह हो गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सारा इंफॉर्मेशन दे दिया अदर सेल्स फिगर दिया हुआ लास्ट ईयर का एक चार से तीस छ लास्ट ईयर का एक सात से तीस नौ इस साल का एक सात से तीस नौ सुनना यह हो गया स्टैंडर्ड टर्न ओवर ये हो गया एक्चुअल टर्न ओवर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टर्न ओवर वगैरह दे दिया लास्ट क्लास एक क्वेश्चन किए थे जहां स्टैंडर्ड टर्न ओवर ही गायब था इसमें वैसा नहीं है दे दिया आपको सिंपली दे दिया टू टू डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट जीपी फॉर दो हजार ग्यारह बारह वॉज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई फाइव परसेंट ऑन सेल्स मटेरियल कॉस्ट गिरा है तो हम लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीपी पांच परसेंट बढ़ेगा अगर पहले बीस था तो अब पच्चीस हो जाएगा उजेंड वेर अडिशनली पीरियड आफ्टर फायर अडिशनल एक्सपेंडिचर द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंक्लूडेडी टू थाउजेंड अनकवर्ड इसको एम्बिग्विटी बोलते हैं ये जो वन फिफ्टी सिक्स और फोर्टी टू है ये बोलना चाहता है इन्श्योर्ड एंड अन इन्श्योर्ड बट ये इसका दिया है जबकि ये इसका होना नहीं चाहिए ये होना चाहिए जो एक्चुअल फिक्स एक्सपेंसेज है उसमें कितना कवर्ड है और कितना अनकवर्ड बट जो हमें इंफॉर्मेशन देगा हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा यह हो गया इनश्योर्ट स्टैंडिंग चार्जेस अन इनश्योर्ट स्टैंडिंग चार्जेस मेरे को बोल रहा है क्लेम कैलकुलेट करो दोनों पॉलिसी में एक एक करके बात करो सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या है यह नाइनटीन लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पहले हमको चाहिए जीपी मार्जिन लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में जीपी मार्जिन बताओ कैसे निकालते थे लास्ट ईयर का जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू हंड्रेड जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू हंड्रेड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट दिख रहा है मेरे को तीन लाख डिवाइडेड बाय बारह लाख इनटू सौ ट्वेंटी फाइव परसेंट तो करेंट ईयर का जीपी मार्जिन बोला पांच परसेंट से बढ़ेगा तो ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव 30 परसेंट का करेंट ईयर का जीपी मार्जिन होगा इसके बाद मैं बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग मेमो ट्रेडिंग अकाउंट मेमो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बोलो कहां से लेके आऊं लास्ट ईयर का क्लोजिंग 185 फिर इस साल का परचेज सेल सेल 336 थर्टी परचेज दिया हुआ है टू वन फोर पेजेस दिया हुआ है फिफ्टी वन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्वेल्व ये सारा ट्रेडिंग में आ जाएगा अब इस थ्री थर्टी सिक्स के ऊपर जीपी निकाल लो थर्टी परसेंट वन लैक एट हंड्रेड तो बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर टू ट्वेंटी सिक्स एट हंड्रेड कोई प्रॉब्लम लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी अब काफी सिंपल हो गया आपके लिए एकदम नॉर्मल है लॉस भी इतना ही होगा क्योंकि कोई सेल्वेज वगैरह अलग से दिया हुआ अब क्लेम में आ जा क्वेश्चन बोला पॉलिसी हैज नो एवरेज क्लॉज नो एवरेज क्लॉज तो क्लेम मिलेगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर लॉस है 226 पॉलिसी वैल्यू था 210 तो मेरे को मिलेगा 2 लाख 1000 क्लियर है बात अगर कोई बच्चा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करता है आंसर तो दो दस आएगा बट उसका दो मार्क्स काट लिया जाएगा बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन गिवेन इन दी क्वेश्चन आंसर दो लाख दस हजार आएगा अगर एवरेज क्लॉस भी लगा दोगे बट तो भी आपका दो मार्क्स कटेगा जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन क्लियर है बात आगे चले लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी सबसे पहले वर्किंग नोट ट्रेंड का एक बार देख इस साल का पहला चार महीने का सेल तीन छत्तीस पहला तीन महीने का लास्ट ईयर का पहला तीन महीने का सेल था तीन लाख कंपेरेबल पीरियड है तीन लाख से तीन छत्तीस हो गया बोलू बारह परसेंट से बढ़ गया बारह परसेंट तो ट्रेंड हो गया छत्तीस हजार डिवाइडेड बाई तीन लाख इंटू सौ ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज यह ट्रेंड निकल जाएगा जीपी मार्जिन कैलकुलेट करना है बोलेगा पहले लास्ट ईयर का यहां पे फॉर्मूला बता क्या था एनपी प्लस आईएससी बाई सेल्स इन टू हंड्रेड एनपी साठ हजार आईएससी वन फिफ्टी सिक्स लास्ट ईयर का सेल था बारह लाख इन टू हंड्रेड अट्ठारह परसेंट तो बोलो करेंट ईयर का एप्लीकेबल मार्जिन 18 प्लस पांच तेईस परसेंट ईपी मार्जिन ट्वेंटी थ्री परसेंट अब शॉर्ट सेल्स निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया है तीन बीस इसके ऊपर बारह परसेंट ट्रेंड ऐड कर रहा हूं थर्टी एट फोर हंड्रेड तो हो गया थ्री फिफ्टी एट फोर हंड्रेड माइनस एक्चुअल टर्नओवर 48 तो तीन लाख दस हजार चार सौ ये शॉर्ट सेल्स जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स हो गया तीन लाख दस हजार चार सौ का तेईस परसेंट सेवन वन थ्री नाइन टू डन एडिशनल एक्सपेंडिचर एक्चुअल खर्चा बता वन नाइन्टी एट जी ऑन अडिशनल सेल्स कुछ बताया नहीं अलग से तो मैं मान रहा हूं फोर्टी एट थाउजेंड इज अडिशनल सेल्स जितना सेल हुआ है सारा खर्चे के कारण ही हो पाया है ग्यारह हजार चालीस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस यूआईएससी तो मेरे को जी ऑन ऑटो निकालना है आराम से कर पाएंगे डेट हो जाएगा एक जुलाई 2010 से एक जुलाई 2011। आग लगने से पहले बारह महीना इसमें से नौ महीना लास्ट ईयर का तीन महीना इस साल का एक जुलाई 10 से इकतीस तीन बारह और एक अप्रैल ग्यारह ना ग्यारह और एक अप्रैल ग्यारह से लेकर एक सात ग्यारह पहले लास्ट ईयर का नौ महीने का सेल बता सर, लास्ट ईयर का पूरे साल का सेल था बारह लाख पहले तीन महीने का सेल था तीन लाख तो बारह से तीन हटाएंगे तो लास्ट नौ महीने का सेल नौ लाख नाइन लाख के ऊपर ट्वेल्व परसेंट ट्रेंड बारह नवा एक सौ आठ दस लाख आठ हजार प्लस इस तीन महीने का सेल इज थ्री थर्टी सिक्स तो हो गया थर्टीन लैक फोर्टी फोर थाउजेंड इसमें ऐसे भी करते ना बारह लाख के ऊपर सीधा बारह परसेंट एड तो भी आ जाता लास्ट ईयर का सेल बारह लाख इस साल बारह परसेंट बढ़ेगा तो बारह लाख ,00 पे बारह परसेंट एड करो देखो थर्टीन फोर्टी फोर आ जाएगा आ जाएगा इस बार पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ट्रेंड आपने इसी साल से निकाला है कैलकुलेट किया है डन जीपी ऑन ऑटो बता थर्टीन फोर्टी फोर का ट्वेंटी थ्री परसेंट थ्री जीरो नाइन वन टू थ्री टू जीरो थ्री जीरो नाइन वन टू जीरो बोलो विच एवर इज लोअर एडमिसिबल एक्सपेंडिचर ग्यारह हजार चालीस डन लॉस बता जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स सेवन वन थ्री नाइन टू प्लस ग्यारह हजार चालीस फोर थर्टी टू क्योंकि एवरेज क्लॉज है नहीं तो क्लेम भी इतना ही हो जाएगा पॉलिसी ज्यादा कहीं लिया हुआ है क्लेम इक्वल टू एट टू फोर थ्री एट टू फोर थ्री टू धन्यवाद कंप्लीट ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19 विच सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 पॉइंट यहां पे एवरेज क्लॉज पॉलिसी में था ही क्योंकि एवरेज क्लॉज नहीं था तो हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवरेज पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया जो खुद बोला एवरेज क्लॉज नहीं है अदरवाइज हर क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज था या नहीं बोलता था तो हम लोग अज्यूम करते थे कि एवरेज क्लॉज है धन्यवाद बहुत कम बार ऐसा कभी क्वेश्चन आता है बट आ सकता है एंड आएगा तो बहुत बच्चे गलती करेंगे क्योंकि इसका हैबिट नहीं है करने का इसीलिए गलती हो जाएगा ध्यान रखिएगा शिवांशु बोल रहे पॉलिसी कवर करता है 156, लिविंग 42 अनकवर्ड तो कवर करता है 156, फिफ्टी सिक्स दैट इज इन शॉर्ट चार्ज Done. सुनना वो मत देखिए आप डोंट सी दैट उसमें कुछ में फिक्स हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता डोंट सी दैट आपको जब क्वेश्चन अलग से बता दे तो जो क्वेश्चन बोले वही लीजिए आप हम लोग कल भी ये डिस्कस किए थे क्वेश्चन अगर कोई चीज बोल दे हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे फिर जो क्वेश्चन बोला हुआ है चाहे वो गलत भी हो हमको वही लेना है सुनना 19 तक देख तो सारा क्वेश्चन हो गया क्या ऑल क्वेश्चन डन 99.99 नाइन परसेंट बुक के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही ऐसा कोई भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होगा जिसको मैं बोलूंगा काट दे अब काम का नहीं है अदरवाइज सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कभी छूटे तो बता देना सर ये वाला क्वेश्चन रह गया तो वो कर लेंगे ठीक है बात अब सुन इस चैप्टर में एक छोटू सा टॉपिक है टॉपिक क्या मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में ही लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का ही एक्सटेंशन है अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लिया हुआ है डिसलोकेशन हुआ बताओ कितना क्लेम मिलेगा क्लेम कैसे कैलकुलेट किए सर पहले लॉस कैलकुलेट किए लॉस कैलकुलेट करने के बाद क्लेम कैलकुलेट किए अब तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जितने भी बचे हैं वो पता है क्या चीज पर है एक एंटिटी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहता है और वो तुमको बोल रहा है तुम बताओ कि हमको कितने रुपए का पॉलिसी लेना चाहिए अब क्वेश्चन इज चेंजिंग अभी तक था पॉलिसी लिया हुआ है नुकसान हुआ क्लेम कितना मिलेगा तो आपने पहले नुकसान का कैलकुलेशन का किया उसके बाद क्लेम निकाला अब क्वेश्चन घूम रहा है वो बोल रहा है कि हम एक एंटिटी है हमको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना है फ्यूचर के लिए तुम बताओ मेरे को कितने रुपए का पॉलिसी लेना चाहिए हम लोग तो भैया कंसल्ट करेंगे तो यही बोलेंगे भैया जितना तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसके हिसाब से तुम पॉलिसी ले लो ताकि फ्यूचर में जाके कोई एवरेज क्लॉज वगैरह का पंगा ना हो तो हम लोगों को करना क्या है एकदम सिंपल हम लोग सबसे पहले उस बिजनेस का जीपी मार्जिन कैलकुलेट करेंगे उस जीपी के मार्जिन के हिसाब से नेक्स्ट ईयर वो कितना जीपी अर्न करेगा वो कैलकुलेट करेंगे कोई अगर एडिशनल खर्चा लगेगा ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो उसको ऐड करके बताएंगे कितना उसको पॉलिसी लेना चाहिए तो नॉर्मल जैसे हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर रहे थे दो स्टेप पहला स्टेप क्या था जीपी ऑन डॉट सेल्स कि भैया जितना सेल कम हुआ उसके ऊपर हम आपको क्लेम देंगे यहां पर भी हम लोग यही निकालेंगे जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे जीपी ऑन ऑटो वॉट वॉज जीपी ऑन ऑटो सर हमारा एक्सपेक्टेड सेल कितना है ऑटो और उसके ऊपर हम प्रॉफिट कितना कमा पाते दैट इज जीपी ऑन ऑटो हम लोग यही बोल रहे थे ना कि तुमको कम से कम इतने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था तो आप उस आदमी का नेक्स्ट ईयर का सेल एस्टिमेट कीजिए उसके हिसाब से जो उसका जीपी मार्जिन है उसके हिसाब से उसको बोलिए आपको इतना पॉलिसी लेना चाहिए हाँ अगर इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कोई एडिशनल खर्चा लगेगा तो उस एडिशनल खर्चे को भी इंक्लूड करा लीजिए हम लोगों को, को ये तीन क्वेश्चन में छोटू छोटू क्वेश्चन है यही कैलकुलेट करके देना है कि एंटिटी को कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी लेना चाहिए कितने वैल्यू का जिसको हम लोग सम इंश्योर्ड या पॉलिसी अमाउंट बोलते और हम लोग जब पॉलिसी लेने की बात करेंगे ना वी विल से मैक्सिमम अमाउंट जितना आपको लेना चाहिए अब एंटिटी अगर चाहे उसको प्रीमियम कम बेसि करना है तो वो कम का पॉलिसी ले सकती है बट वो उनका काम है हमसे जब गाइड मांगेगा तो हम तो यही बोलेंगे जितना आपका प्रॉफिट हो सकता है उतना पूरा का पूरा कवर करवा दीजिए ये चीज हमको अब इस टॉपिक में कैलकुलेट कर इस टॉपिक के लिए ना मैं बेसिक आपको नोट लिखा रहा हूं सिर्फ दो चीजें सिंपल याद रखो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में किस चीज का नुकसान कवर होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स का तो सबसे पहले हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होने वाला है सेल्स करके वो लेंगे दूसरा एडिशनल एक्सपेंडिचर का नुकसान भी मिलेगा तो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर इस जीपी को कमाने के लिए लगेगा उसका भी आपको पॉलिसी लेना चाहिए आप सबका पॉलिसी लेंगे तो फ्यूचर में नुकसान होगा तो सारा नुकसान कवर हो जाए डिचर टू अर्न दिस प्रॉफिट वो एडिशनल एक्सपेंडिचर दूसरा चीज हो गया वो एडिशनल एक्सपेंडिचर क्या हो गया बिजनेस को चलाने के लिए और कितना खर्चा लगेगा अभी मैं बोल रहा हूँ वो तो मैं अभी एस्टिमेट नहीं कर सकता बट ये तो बोल सकता हूँ ना मान लेंगता है इस साल मैंने दस लाख रुपए का सेल्स किया नेक्स्ट ईयर सेल्स मेरा पंद्रह लाख रुपया होगा बट ये पांच लाख का एडिशनल सेल्स करने के लिए एक छोटा सा दुकान खोलना होगा जिसके लिए मेरे को दस हजार रुपए का महीना का खर्चा भी करना पड़ेगा तो ये नया फिक्सड एक्सपेंडिचर कुछ कोई भी टाइप का खर्चा जो फिक्स नेचर का खर्चा है जो एडिशनली लगेगा ताकि आप ये सेल्स और प्रॉफिट अचीव कर पाओ तो अगर आप ये सेल्स अचीव करेंगे तो सेल्स पर जीपी कंसीडर करेंगे उसके साथ साथ इस खर्चे को भी तो कवर कराना पड़ेगा क्योंकि ये खर्चा भी लगने वाला है बट वेरिएबल नेचर वाला नहीं सिर्फ कौन सा फिक्सड एक्सपेंडिचर एक बार पहले मेरे साथ दिखे एक क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा लास्ट टॉपिक है इसी में लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आ जाएगा पॉलिसी अमाउंट कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट फॉर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट फॉर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ये कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट वी विल नीड टू थिंग्स सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर दी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर कितना सेल होने वाला है उसका ग्रॉस प्रॉफिट को कवर कराना पड़ेगा इसको आप लोग जीपी ऑन ऑटो भी बोलते थे प्लस एनी एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर एनी एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड एनी अडिशनल फिक्सड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इतने का आपको पॉलिसी लेना चाहिए दिस पॉलिसी विल कवर ऑल योर प्रॉफिट एंड फिक्स एक्सपेंसेस जीपी कैसे निकालेंगे बता जीपी मार्जिन एनपी प्लस आई एस सी डिवाइडेड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड ई एस सी वर्ड नहीं लिख रहा हूं अब मैं ना एस सी वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि हम तो सारे इंश्योर करवाएंगे ना हम तो कुछ छोड़ने वाले नहीं है हम सामने वाले को जब बताएंगे हमको तो यही बोलना है ना कि भैया आपको सारा खर्चा इंश्योर करवा लेना चाहिए तो मैं सारे खर्चे इंश्योर करवाऊंगा स्टैंडिंग चार्जेस में मैं सारे स्टैंडिंग चार्जेस लूंगा नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड ये कवर करवा लो और साथ साथ अगर इसको अचीव करने के लिए कोई नया खर्चा होगा तो उस नए खर्चे को भी कवर करवा लो यहां तक ठीक है बात एक बार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए आप क्या होता था उससे एक साल पहले का उसके बाद उसमें जब ट्रेंड एडजस्ट कर देंगे वो इस साल का सेल हो जाएगा ये तो आग लगने के बाद तो हम लोग यही तो देखते थे इस साल का जीपी कितना होना चाहिए था तुमने कितना इंश्योरेंस करवाया है तो हम लोग इंश्योरेंस किसके बेसिस पे करवाना चाहिए जो आपका इस साल का जीपी होना अगर मान ले मैं आज एक अप्रैल ग्यारह को खड़ा एक अप्रैल 2021 को खड़ा हूं मेरे को 21 बाईस का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना है तो मैं कितना पॉलिसी लू सर आप देखो इक्कीस बाईस में आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है उसके हिसाब से ले लो तो अगर मैं एक चार 2021 को खड़ा होकर पॉलिसी ले रहा हूं तो 21 बाईस में मेरा कितना प्रॉफिट होने वाला है मैं उसके हिसाब से पॉलिसी लू इसीलिए वर्ड नेक्स्ट ईयर लिखा क्योंकि हो सकता है लास्ट ईयर में जो हुआ था नेक्स्ट ईयर में उससे ज्यादा या कम हो जो भी आपका होने वाला है उसके हिसाब से आपको पॉलिसी लेना चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पढ़ेंगे आप ट्रेडर इंटेंस टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इंटेंस मतलब लेना चाहता है विथ इंडेमिनिटी पीरियड ऑफ सिक्स मंथस लिखो इंडेमिनिटी पीरियड विल अफेक्ट प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू हम लोग पूरे साल के प्रॉफिट के हिसाब से लेंगे प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आप कितने महीने का कवरेज चाहते हो उसका पॉलिसी अमाउंट से कोई लेन देन नहीं है इसीलिए हम लोग जीपी ऑन ऑटो कैलकुलेट करते थे पूरे साल का चाहे इंडेमिनिटी पीरियड तीन महीना हो छह महीना हो नौ महीना हो जब ऑटो कैलकुलेट करके पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर करते थे तो पूरे साल का कंपेयर करते थे आगे ही कुड नॉट डिसाइड दी पॉलिसी अमाउंट वो बोल रहा है पॉलिसी अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल सजेस्ट दी पॉलिसी अमाउंट आपसे पूछ रहा है पॉलिसी अमाउंट निकाल कर दो सबसे पहले टर्न ओवर इन लास्ट ईयर उसका साढ़े चार लाख था ये कौन से साल का टर्न ओवर लास्ट ईयर का लास्ट ईयर स्टैंडिंग चार्जेज यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस नब्बे हजार का हुआ था डन नेट प्रॉफिट अर्न इन द लास्ट ईयर वाज टेन परसेंट ऑफ टर्नओवर, सो नेट प्रॉफिट बोल रहा है अमाउंट वाइज कोई बोल पाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड साढ़े चार लाख का दस परसेंट फोर्टी फाइव थाउजेंड नेट प्रॉफिट निकल गया द सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन दबसिक्वेंट ईयर और हमको लगता है नेक्स्ट ईयर में भी हम इतना ही प्रॉफिट कमा मतलब ट्रेंड मतलब परसेंटेज वाइज इतना ही प्रॉफिट हमारा रहेगा इंक्रीज इन टर्न ओवर एक्सपेक्टेड पच्चीस परसेंट मतलब ट्रेंड है मतलब हम लोग जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट लेने जा रहे हैं उस साल का टर्न ओवर साढ़े चार लाख नहीं होगा साढ़े चार लाख का टर्न ओवर पच्चीस परसेंट से बढ़ेगा देयर विल बी एन इंक्रीज इन सेल्स इन दी नेक्स्ट ईयर आगे टू अचीव अडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज इनकर अडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ थर्टी वन अगर यह सेल्स आपको करना है तो नया फिक्स एक्सपेंस करना होगा कितने का थर्टी वन टू फिफ्टी का क्या यह नया एक्सपेंस फिक्स एक्सपेंस होगा तो आप इसको भी कवर करेंगे बिल्कुल कवर करेंगे सर जितना फिक्स एक्सपेंस होगा सबको कवर करना है ध्यान से सबसे पहले सारे बच्चे मेरे को जीपी मार्जिन कैलक्यूलेट करके दो आंसर टू क्वेश्चन ट्वेंटी जीपी मार्जिन नोट वन फॉर्मूला लिखना एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड लास्ट ईयर वाला निकालना तो so ये हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस नाइन्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल कितना था साढ़े चार लाख टू हंड्रेड थर्टी परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और बोल रहा है यही हम एक्सपेक्ट करते हैं करेंट ईयर में भी रहेगा 30 परसेंट वर्किंग नोट टू कर रहा हूं मेरे को बता एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर दी नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर दी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हम कितना सेल्स कर पाएंगे साढ़े चार लाख प्लस पच्चीस परसेंट 562. 500. ये हम लोग नेक्स्ट ईयर इतना सेल्स कर पाएंगे तो आइए पॉलिसी अमाउंट निकालते हैं। पॉलिसी अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स 562 500 का 30% परसेंट वन सिक्सटी जो नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे उस पर 30% परसेंट प्रॉफिट कमाएंगे तो नेक्स्ट ईयर इतना ग्रॉस प्रॉफिट होगा और इसको कमाने के लिए अडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंस नया फिक्स्ड एक्सपेंस करना पड़ेगा 31 250 टोटल हो गया वन सॉरी दो लाख ये हमारा पॉलिसी अमाउंट दो लाख रुपए का आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस उसको भी कवर करवाएंगे बोलो देखो अभी देखो बच्चे का एक क्वेश्चन है सर सेल बढ़ा तो जीपी मार्जिन चेंज नहीं होगा एक दिन सिखाया था मार्जिन डिपेंड करता है प्राइस पर क्या बोला सेल प्राइस बढ़ेगा सेल क्वांटिटी बढ़ेगा 25 परसेंट से अब तुम्हारा सेल्स का अमाउंट तो रहता है बट यह सेल का अमाउंट जब बढ़ेगा सुनो बात को यह क्यों बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको सिंपल बोलू तुम सौ रुपए का सेल करती हो तीस रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाती हो जीपी मार्जिन कितना हो गया थर्टी परसेंट अब तुम दो सौ रुपए का सेल करोगे जीपी का अमाउंट चेंज होगा बट जीपी का मार्जिन अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस सेम रहेगा तो द मार्जिन विल रिमेन बस अमाउंट क्या हो जाएगा 200 का 30 परसेंट कितना कमाऊंगी साठ रुपए तो सेल का इंक्रीज होने से मार्जिन चेंज हो जरूरी नहीं है बिकॉज द इंक्रीज टू बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस प्राइस के कारण चेंज होता तो मैं मार्जिन चेंज कर देता कि वो मार्जिन सही नहीं है उसके लिए क्वेश्चन लिखेगा इस साल में मटेरियल दो परसेंट से बढ़ा है तो मार्जिन अकॉर्डिंगली डिक्रीज करेगा वो सब बोलेगा तो मैं मार्जिन चेंज करूंगा अदरवाइज ये आगे भी लिखा था एक लाइन द सेम ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड इन दी नेक्स्ट ईयर मतलब जो जीपी मार्जिन लास्ट ईयर कमा रहे थे करेंट ईयर में भी हम वही जीपी मार्जिन रखेंगे दम, 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 क्लियर है बात हम लोगों को क्या करना है सबसे पहले सर सेल्स एक्सपेक्ट कीजिए जिसको हम लोग ऑटो बोलते थे उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाएंगे वो निकालिए कोई एडिशनल खर्चा लगने वाला है उसको भी कवर करा लीजिए आपका टोटल कवरेज दो लाख रुपए का होना चाहिए क्लियर है बात पक्का पक्का आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन पूरा सेम है क्या गलती से दे दिया चलो हटाओ लिख लो सेम एज ट्वेंटी सेम मतलब इट सेम एज ट्वेंटी हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं है अरे तुम लोग पढ़ लिया इतना कहे तुम लोग अपने आप पे वो करता है हो सकता है हो सकता है चलो क्वेश्चन ट्वेंटी टू में आओ लिखो पास में गुड क्वेश्चन ट्वेंटी टू बोलो क्यों आ रहा है कि द जीपी मार्जिन इज इसीलिए इसीलिए बट अपने हमेशा देख लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में जब लॉस कैलकुलेट कर रहे थे कैसे कैलकुलेट कर रहे थे जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग हमेशा आदत है हम लोगों का सबसे पहला चीज कवर होगा जीपी ऑन सेल्स तो हम लोग जीपी ऑन सेल्स निकालेंगे तो हम लोग हमेशा ऐसे निकालेंगे पहले सेल्स एस्टिमेट करेंगे जीपी मार्जिन मल्टीप्लाई करेंगे जीपी कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो तरीका यूज नहीं करें दैट तरीका इज नॉट करेक्ट अभी देखना एक बच्चे का डाउट आया एक बच्चे का डाउट आया आई वॉन्ट टू आस्क यू उस डाउट में क्या पंगा है बच्चे का डाउट आया अब बच्चा कुछ सोच रहा है तुम ध्यान से उस चीज का आंसर करना आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू बच्चा बोल रहे सर सेल्स को इंक्रीज किए फिर जीपी मार्जिन 25 परसेंट मारे उसकी जगह नेट प्रॉफिट और फिक्स्ड एक्सपेंस को ही 25 परसेंट से इंक्रीज कर देते तो भी यू कुड हैव गॉट द सेम आंसर नहीं इसमें एक प्रॉब्लम है हा? देख बच्चा एक बच्चा चीज बोल रहा है सर ये जो फिक्स्ड एक्सपेंस है ना ये सेल्स के साथ चेंज करे जरूरी अब समझ योर फिक्स्ड एक्सपेंस एक चीज सुना होगा मैं एक सिंपल चीज सिखाता हूं तुमको तुम सुनो इस चीज को बहुत काम आएगा लाइफ में क्लासरूम मैंने भाड़े पर लिया है पचास हजार रुपया भाड़ा साठ हजार रुपया भाड़ा, भाड़ा मान लो महीने को देता हूं इसमें अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो भी कितना लगेगा साठ हजार और अगर एक सौ सत्तर दो सौ बच्चे भी पढ़ेंगे तो भी कितना लगेगा मतलब आपका जो फिक्स एक्सपेंस है ना फिक्स एक्सपेंस वो डिपेंड नहीं करता आप इधर कितना बच्चा पढ़ाते हो ना एक चीज पूछ रहा हूं जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा यस और नो बिकॉज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज सेम एंडिक्स एक्सपेंस आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट तो जैसे जैसे आप बच्चे बढ़ाते जाओगे तो आपका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते प्रॉब्लम का है देख क्या हो रहा है रियल में ना फिक्स एक्सपेंस पच्चीस परसेंट से नहीं बढ़ रहा है फिक्सड एक्सपेंस कॉन्स्टेंट है बट क्योंकि सेल बढ़ते जा रहा है तो नेट प्रोफिट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ग्रेटर देन ट्वेंटी वो टोटल इफेक्ट तुम बोल सकता है दोनों को 25 परसेंट से बढ़ा दो बट रियल में फिक्स एक्सपेंस बढ़ता फिक्स एक्सपेंस सेम रहता है बढ़ क्या रहा है नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि तुम सेम फिक्स एक्सपेंस में और भी सेल अचीव कर रहे हो इसीलिए मैं ये वाला यूज करने आपको नहीं अलाउ करूं बिकॉज माई फिक्स एक्सपेंस बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स जो इंक्रीज होगा वो अलग से बताया हुआ है थर्टी ये मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस 25% परसेंट की रेट से नहीं बढ़ेगा जब मेरा सेल भी 25% परसेंट की रेट से बढ़े इसीलिए मैं ये यूज करना अलाउ नहीं कर एग्जांपल दे रहा हूं मैं ना एक तुम्हारे सामने सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं पहले पुराने साल का फिगर ले पुराना साल कौन सा था मान ले एक्स जो भी साल था इसको एक्स ले लेते ठीक है, है? सुनना पुराने साल का सेल चार पचास तीस हाँ? परसेंट का जीपी बोल कितना एक पैंतीस वेरिएबल कॉस्ट बोल कितना वेरिएबल कॉस्ट समझते हो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है मटेरियल जनरली मटेरियल का ही तो खर्चा होता है मटेरियल लेबर का वो मटेरियल लेबर जनरली कौन से कॉस्ट होते हैं वेरिएबल जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वो खर्चा भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट बोल तीन लाख पंद्रह हजार ये सवा तीन नहीं होता है सवा तीन सौ भी गलत है तीन तीन बज के पंद्रह मिनट इस सवा तीन ऐसे तीन पंद्रह बच्चा इतना इतना को रिलेट करने लग गया है ना चलो जीपी वन थर्टी फाइव तो फिक्स्ड एक्सपेंस ये ये। जीपी वन थर्टी फाइव है ना फिक्स्ड एक्सपेंस लास्ट ईयर कितना था नहीं पता नब्बे था ना और नेट प्रॉफिट आ गया था फोर्टी फाइव अब मेरी सिर्फ बात सुन ये मैं बढ़ा रहा हूँ पच्चीस परसेंट से प्लीज इंक्रीज इट बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट चार लाख पच्चीस प्लस पच्चीस परसेंट फाइव सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड इसके ऊपर थर्टी परसेंट मार्जिन वन सिक्सटी एट सेवन फिफ्टी कैस और नो मेरा एक बार नया खर्चा भूल जाओ ये नब्बे हजार एज इट इज सेम रहेगा इस बार मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा 78, तो सुन, ये 25 से नहीं बढ़ा है खर्चे से अगर यहां दस बच्चे भी बैठा हूं तो एक मान ले प्रॉफिट होगा अमाउंट अगर मैं यहां सौ बच्चे बैठा ना वो प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा क्यों ग्रो करेगा क्योंकि सर खर्चा तो आपका सेम है खर्चा तो एक्स्ट्रा लगना नहीं है हम लोग इसीलिए बोलते हैं कोई भी एसेट जब फुल कैपेसिटी पर यूज करोगे ऑप्टिमल कैपेसिटी पर यूज करोगे तभी घर पे पैसा बनेगा अगर मेरा एक मशीन है उस पर मान लो बीस हजार रुपए महीने का मेरे को खर्चा करना पड़ता है वो मशीन एक लाख यूनिट बना सकती है मैं सिर्फ पचास हजार बना रहा हूं तो घर पे नुकसान होगा जिस दिन एक लाख बनाने लग जाऊंगा ना एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट बढ़ेगा क्यों क्योंकि खर्चा तो सेम है वो तो चेंज होना नहीं है और मेरे को सिर्फ क्या करना है मेरे को सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना है ये जितने भी हम लोग फिक्सड एक्सपेंसेस करते हैं फिक्स एक्सपेंसेस का जब ऑप्टिमल यूसेज करोगे ना तब आप देखोगे योर यार्जिन विल इंक्रीज बाई अ वेरी हाई अमाउंट तो ये यहां पे 25 परसेंट सुन ले लास्ट बार बोल रहा हूं 25 परसेंट इज नॉट इंक्रीज इन फिक्स्ड एक्सपेंस द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट इज हायर बिकॉज ऑन दी सेम फिक्स्ड एक्सपेंस वी आर अर्निंग अ हायर सेल एंड हायर प्रॉफिट क्लियर है क्या बात ये हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा डन तो नेक्स्ट ईयर में ये कवर कराऊंगा ये इसमें हजार इंक्लूडेड है इसके साथ-साथ क्या कवर कराऊंगा 31250 जो एडिशनल खर्चा होने वाला है जैसे ही 31250 खर्चा वो करवा लूंगा मेरा काम हो जाए क्लियर है बात डन आगे चलते हैं हो सकते हैं बट हम लोग क्या बोले और दी टाइमिंग जब अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं अभी 22 में तेरे को वही इंफॉर्मेशन दिखेगा

टर्म एक्सपेंस मतलब ये टाइम के हिसाब से वैरी करता है इसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना मतलब एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया आप समय के हिसाब से लगेगा प्रोडक्शन करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं है पीरियड कॉस्ट बोलते फिक्स्ड एक्सपेंस आर पीरियड कॉस्ट एंड वेरिएबल एक्सपेंस आर प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़े हो क्या फिक्स्ड एक्सपेंस आर पीरियड कॉस्ट बोलते हम लोग ये पीरियड वाइज वैरी करता है इसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है ट्वेंटी टू में आइए ये अच्छा क्वेश्चन है मेजर्स प्लेटिनम ज्वेलर्स वांट्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर द ईयर 2015 2015 के लिए लेना चाहता है तो तुमको सारा डेटा किसका एस्टीमेट करना होगा 2015 दिया हुआ चौदह का रहेगा बट तुमको एस्टीमेट किसका करना पड़ेगा 2015 उसी के हिसाब से तो पॉलिसी लेंगे अगर चौदह के हिसाब से पॉलिसी ले लेंगे तो फिर इस साल अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो एवरेज क्रॉस लग जाएगा अगर मेरे को पॉलिसी 2015 का लेना है तो डेटा भी सारा 2015 के हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा आगे एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज गिवन बिलो लास्ट ईयर का पीएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है अच्छे से पढ़ो वेरिएबल एक्सपेंस में एक है इनकम साइड में दो चीज है नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम वैसे इंटरेस्ट इनकम मेरे काम का वो माल बेच के आने वाला इनकम नहीं है आपका आग लग भी जाएगा तो इंटरेस्ट इनकम में जनरली फर्क बिजनेस जब हेल्ड होगा बिजनेस जब डिसलोकेट होगा इंटरेस्ट इनकम पर कोई इफेक्ट जो इफेक्ट होगा वो प्रॉफिट पर होगा जो आप माल बेच के कमा रहे हो इंटरेस्ट इनकम विल रिमेन सेम अपने इन्वेस्टमेंट तुड़वा लिए सोना चांदी बेच दिए वो बात अलग है कि सर हालत खराब है कुछ करने लायक नहीं है घर बार बिक गया खाली फैक्ट्री ठीक करवाने में वो अलग चीज हो गई इधर फिक्स्ड एक्सपेंस में देख पांच खर्चा दिया हुआ है इस बार देख वेरिएबल जनरली फिक्स एक्सपेंस मैं जब, मैं जब वाले एक्सपेंस होते हैं वो क्यों कौन सी नेचर के होते हैं वो इनडिरेक्ट नेचर के जनरली इनडिरेक्ट नेचर के होते हैं और वेरिएबल खर्चे जो होते हैं वो जनरली डिरेक्ट नेचर मैं बोलता हूं डिरेक्ट एक्सपेंस आर जनरली वेरिएबल ओवरहेड्स आर जनरली बट वेरिएबल ओवर भी हो सकता है ऐसा नहीं कि वेरिएबल ओवर होता नहीं है हो सकता है आगे ट्रेडिंग पीएल बना के फटाफट टर्न सोच सकता है क्या कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर पे खर्चा दे दिया नेट प्रॉफिट दे दिया क्या आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो लास्ट ईयर का सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो लास्ट ईयर का सेल्स कैलकुलेट करना है तीस लाख पचास हजार कैसे लाया इंटरेस्ट इनकम माइनस कर दिया सर so, नेट प्रॉफिट से सारा खर्चा ऐड कर दिए और इंटरेस्ट इनकम को माइनस किए जो बचा वो क्या आ गया सेल्स आ गया यस और नो वो सेल्स आ गया बात खत्म ठीक है बोल सेल्स से ग्रो फैसिलिटी फ्रॉम बैंकर एट दी रेट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट अब ये सेल करने के लिए हमको क्या चाहिएगा और पैसा चाहिएगा तो हमने क्या डिसाइड किया लोन लोन लेंगे लेंगे कितना परसेंट ब्याज पे बारह परसेंट के ब्याज पर तो एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी अराउंड दो लाख रुपया लाख रुपए का हम लोग ओवरड्राफ्ट लेंगे बारह परसेंट का रेट है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल भर में चौबीस हजार है जो लगेगा अगर आप ये सेल अचीव करना चाहते हो तो नेक्स्ट वेजेस फॉर स्किल्स क्राफ्टमैन विल इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट स्किल्स क्राफ्टमैन का वेजेस बढ़ जाएगा फिक्स एक्सपेंस फिक्सड ये इंक्रीज हो जाएगा 20%, मतलब बढ़ेगा तब जाके हम सेल पच्चीस परसेंट एक्स्ट्रा कर पाएंगे सेल करने के लिए तुमको एडिशनल कैपेसिटी भी तो चाहिए लोग चाहिए लेबर चाहिए लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेगा तो सेल कैसे करोगे तो बोला तीन नया खर्चा लगेगा अगर हम अपना सेल पच्चीस परसेंट से बढ़ाना चाहते हैं तो ऑल अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन दी बाद बाकी सारा खर्चा सेम रहेगा मेरे को बोल रहा है डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन इन द करेंट फॉर दी करेंट ईयर बाई मेजर्स प्लेटिनम जो है कितने का पॉलिसी लिया जाए मैं सिंपल बोलूंगा आपको पॉलिसी लेना है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स प्लस अडिशनल एक्सपेंडिचर तो मेरे को दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा जीपी मार्जिन के हिसाब से एंड देर आफ्टर आई विल कैलकुलेट अडिशनल एक्सपेंडिचर मेरे को बता एक एक करके वर्किंग नोट तुम सबसे पहले लास्ट ईयर का पीएल बनाओ ट्रेडिंग पीएल बनाओ लास्ट ईयर का ट्रेडिंग पीएल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार चौदह ये मैं बना रहा हूं टू कैलकुलेट सेल्स मेरे को ना अलग अलग बाइफर्केशन नहीं चाहिए मेरे को फिक्स्ड और वेरिएबल करके दोगे तो भी चलेगा एक्चुअल ट्रेडिंग पीएल बनाने का दरकार नहीं है मेरे को बता सेल्स कितना नहीं पता इनडायरेक्ट इनकम कितना इनडायरेक्ट इनकम इंटरेस्ट कितना फोर्टी फोर थाउजेंड खर्चे में दो पार्ट में बांट रहा हूं वेरिएबल खर्चा कितना फिक्स्ड खर्चा कितना वेरिएबल एक ही है कॉस्ट ऑफ मटेरियल. 1860. फिक्स्ड एक्सपेंस टोटल करके बता दे मेरे को चलेगा मेरे को अलग अलग नहीं चाहिए टोटल बता दे फाइव लाख. पांच टू तो आइटम टोटल करना है 562 बोल रहा है बच्चा 562 नेट प्रॉफिट कितना 670 अब मेरे को सेल्स निकाल कर दे थ्री लाख थर्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड मेरा लास्ट ईयर का सेल इतना था अब इससे मेरे को निकाल के दे एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर 2015 एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर 2015 हजार पंद्रह तीस लाख पचास हजार प्लस पच्चीस परसेंट थ्री एट वन टू फाइव डबल जीरोपेक्टेड सेल्स है हमारा नेक्स्ट ईयर का कितना माल बेच पाएंगे नेक्स्ट ईयर नंबर बी जीपी मार्जिन इस साल का नेट प्रॉफिट प्लस आई माइनस देखो मैंने फोर्टी फोर थाउजेंड क्यों हटाया सर इनडिरेक्ट इनकम इनडिरेक्ट इनकम तो आना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि ये माल बेच के कमाया हुआ प्रॉफिट अगर सर आग लग भी जाएगा तो ये प्रॉफिट में आपका कोई नुकसान नहीं होगा जो नुकसान होगा वो बिजनेस के प्रॉफिट का नुकसान होगा तो ये मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एज इट इज रह जाएगा माइनस फोर्टी फोर कर रहा हूं डिवाइडेड बाई सेल्स टू हंड्रेड नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई सेल्स टू हंड्रेड मैंने एक चीज हटाई है क्योंकि वो चीज मेरे सेल्स का प्रॉफिट नहीं है अगर सेल्स का प्रॉफिट होगा तो मैं लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा 39.0164 नाइन परसेंट फोर्टी क्यों हटाया सर ये बिजनेस का इनकम नहीं है ये इन्वेस्टमेंट का इनकम है आग लगने से आपके बिजनेस के डिसलोकेशन होने से इस इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसको कवर भी नहीं कराएंगे 672 से इंटरेस्ट इनकम हटा दिया प्लस 562 इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता था एनपी प्लस फिक्सड एक्सपेंस की जगह सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट हटाऊंगा तो भी एक टाइप का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर तुम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते तो भी तुम यहीं पहुंच सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप लोग जानते हैं कंट्रीब्यूशन सुने ऐसा वर्ड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सुनेंगे आप लोग धीरे धीरे कॉस्ट में आएगा एफएम में आएगा कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है नॉर्मली जीपी मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट कि भाई माल बेच के कितना रुपया घर पे आया फिक्स्ड एक्सपेंस बाद में देखेंगे पहले माल बेच के कितना रुपया आ रहा है कितना प्रॉफिट आ रहा है उसके बाद देखेंगे फिक्स खर्चा मेरा कितना है और कितना मेरे घर पे बचा अभी बता पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना है पॉलिसी अमाउंट सबसे पहला जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड सेल्स पर मेरा जीपी कितना होगा दिस इनटू 39.01 थर्टी नाइन पॉइंट जीरो वन परसेंट फोर्टीन लाख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टीन एटी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस क्या कोई एडिशनल खर्चा लगेगा उसको भी कवर करा लो अडिशनल एक्सपेंडिचर बोल क्या क्या लगेगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट दो लाख का बारह परसेंट चौबीस हजार फिर इंक्रीज इन वेजेस वेजेस इज अ फिक्स्ड खर्चा इन दिस क्वेश्चन एक साठ का बीस परसेंट थर्टी टू और इंक्रीज इन सैलरी सैलरी भी फिक्स्ड खर्चा है दो तो अस्सी का दस परसेंट अट्ठाईस हजार तो फिक्स्ड एक्सपेंस कितना इंक्रीज होगा अगर ये सेल करना है तो एटी फोर थाउजेंड तो मेरा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फिफ्टीन सेवेंटी वन फाइव हंड्रेड पॉलिसी अमाउंट पॉलिसी अमाउंट नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि मैं इतना कमाऊंगा तो इतने का पॉलिसी ले लीजिए आप हाँ हाँ करवाना चाहिए सो दैट अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो आप फिफ्टीन सेवेंटी वन की जगह सोलह लाख की ले लो बट वही है ना जितना ज्यादा का पॉलिसी लोगे उतना ज्यादा और आग लगेगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा दस बीस साल में एक बार हर साल तो होने वाला नहीं है इसीलिए जनरली कंपनीज उतने का लेती नहीं है वो इससे नीचे ही जाते हैं बोला इतना एक्सपेक्टेड है तो थोड़ा कम ही मान ये तो हम लोग सोच रहे हैं हाई पच्चीस है, परसेंट से सेल बढ़ जाएगा सब कुछ अच्छा होगा अगर खराब से खराब हुआ तो बारह लाख तेरह लाख का एक बार करवा के रख बोल बोलना नहीं जरूरी नहीं होता इधर समझो इधर वेजेस किस हेड में दिया हुआ है सुन ना मैं, मैं मैं मेरे वर्कर की वेजेस दो तरीके से सेट कर सकता हूं एक होता है जितना यूनिट बनाएगा उसके हिसाब से एक रुपया दूंगा वेरिएबल हो गया और एक हो गया टाइम वाइज हो सकता है सुनो ध्यान से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ओवर टाइम करवाना पड़े अगर आप ओवर टाइम करवाएंगे तो क्या वेजेस उतनी देने से काम हो जाएगा दूसरा हो सकता है आपको ज्यादा सेल करने के लिए दो तीन चार आदमी ज्यादा लगे तो उससे भी तो वेजेस बढ़ सकता है दिस में भी रीजन वाई वेजेस विल इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स में इंक्रीज और यू में अलाउ दी न्यू ओल्ड वर्कर्स टू डू ओवर टाइम तो उसके कारण आपको उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्या चीज है वोटेक जस्ट जीपी हम लोग जीपी वही लेंगे ये मान के कि सेम ईयर भी हम वही ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उतना ही कमाना चाहते हैं मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट चेंज इन दी करंट ईयर तो वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज नहीं होगा तो जीपी मार्जिन विल रिमेन सेम तो वो जीपी हम नेक्स्ट ईयर भी कमाएंगे और ये अडिशनल खर्चा लगेगा इसको भी कवर करा लो जीपी मार्ज अगर वो वेरिएबल खर्चा होता ना तो जीपी मार्जिन वुड है अगर वो वेजेज और सैलरीज वेरिएबल खर्चा होता तो उसको जीपी मार्जिन में लेते और जीपी मार्जिन इफेक्ट होता वहां पर उसको हम पहले ही जीपी मार्जिन में माइनस करके आगे कैलकुलेट करता और फिर जो करंट ईयर में चेंज होगा उसका जीपी मार्जिन करंट ईयर का नया निकालता कि लास्ट ईयर में जीपी मार्जिन इतना था इस साल वेजेस इतनी रेट से बढ़ेगा तो मेरा नया जीपी मार्जिन यह होगा अगर वो वेरिएबल खर्चा होता तो बोल ओडी का अमाउंट बैठ जा बातचीत बंद ओडी एक लोन है लोन लोन लेना खर्चा नहीं होता वो लाइबिलिटी है उसका जो खर्चे का इफेक्ट होगा वो किस पर होगा तुम सेल्स करोगे सेल्स कर ज्यादा सेल्स करना है तो ज्यादा मटेरियल लगेगा वो सब जो मटेरियल खरीदेंगे उसके अंदर वो खर्च पैसा लग जाएगा वो ऑलरेडी जब सेल बढ़ाया और जीपी कैलकुलेट किया उसमें इंक्लूड हो गया तो वो ओवरड्राफ्ट का पैसा खुद में कोई खर्चा नहीं है वो लोन है जो वापस रीपे हो जाएगा उसका जो इंटरेस्ट है वो मेरा खर्चा है ये फिक्स्ड एक्सपेंस है एक बार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू को चेक कर लो इससे इस, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं क्या हो गया ठंडा लग रहा है ठीक है अभी तो ऊपर है एकदम ये वाला एसी बंद कर दे ठंडा लग रहा है छे से ठीक है चलो नहीं कुछ नहीं डन कंप्लीट ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तक सारा क्वेश्चन हो गया होमवर्क में बता तो क्या बाकी है स्टार्टिंग का दो और लास्ट का आज का होमवर्क तुम्हारा ट्वेल्व अभी करो इलेवन होमवर्क रहेगा वन और टू कर लेना कभी भी इच्छा हो तो ट्वेल्व अभी करो कुछ नहीं है वो नॉर्मल एक ट्रेडिंग बनाने का क्वेश्चन है नाइन बाकी है तो नाइन होमवर्क ले लो नाइन एंड इलेवन विल बी योर होमवर्क नाइन और इलेवन आज का होमवर्क रहेगा नहीं अभी कुछ नहीं नाइन और इलेवन होमवर्क है ट्वेल्व अभी करो इन पीरियड विल अफेक्ट प्रीमियम जितना लंबा इनडेम्युनिटी पीरियड उतना ज्यादा प्रीमियम क्योंकि उतना ज्यादा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी का उतना ज्यादा लॉस बीयर करना पड़ेगा तुमको इयरली के हिसाब से ही चलना है इंक्रीज hmm. थर्टी है क्या जीपी मार्जिन कितना परसेंट जीपी मार्जिन ट्वेंटी सेवन परसेंट नेट प्रॉफिट प्लस आई एस सी डिवाइडेड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड टर्न ओवर एट सेवनटी सेवन फाइव हंड्रेड तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट ईयर का जीपी कवर करूंगा एट सेवेंटी सेवन फाइव हंड्रेड का ट्वेंटी सेवन परसेंट एट सेवेंटी सेवन फाइव हंड्रेड का ट्वेंटी सेवन परसेंट टू थ्री सिक्स नाइन टू फाइव और जो अडिशनल खर्चा लगने वाला है उसको भी कवर कराना है फोर टू फाइव डबल जीरो ऊपर में कर लिए तुम जो एक्सपेक्टेड सेल्स है उसमें इंक्रीज वाला है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है हम लोगों को कवर कराना होता है नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट चार्जेस समझ बात को बातचीत बंद करो इस जीपी के अंदर नेट प्रॉफिट और इंश्योर मतलब स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के हिसाब से इंक्लूडेड है प्लस इस साल जो एडिशनल एक्सपेंडिचर और लगने वाला है उसको भी ऐड कर लिया ताकि मेरा टोटल पॉलिसी कितना लेना है वो निकल के आ जाए दो चीज कवर कराना है एक नेट प्रॉफिट कवर कराना है और दूसरा स्टैंडिंग चार्जेस कवर कराना तो मैं नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस को कवर करा रहा हूं क्या बोल के जीपी बोल के कवर करवा रहा हूं तो जैसे सेल्स बढ़ाया वो जीपी का इफेक्ट अपने आप एडिशनल सेल्स का यहां पर आ गया उसको कवर करा लिया और जो एडिशनल खर्चा लग रहा है उसको भी कवर करवा लिया वो सेल बढ़ाने के लिए खर्चा लगेगा और मैं फिक्स्ड एक्सपेंस क्यों कवर करवाता हूं इसलिए कवर कराता हूं क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस ऐसी चीज है जो सर बिजनेस बंद हो जाएगा तो भी लगेगा तो वो नुकसान भी आपको होगा जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान लेना पड़ेगा एक बार ना एक बार सारे बच्चे बातचीत बंद कर रहे टू रिमूव कंफ्यूजन ये देखो लास्ट ईयर कौन सा था कुछ ईयर नहीं पता एक्स एक्स वन मेरे को लास्ट ईयर का डेटा दो मैं कुछ लिख रहा हूं सेल्स वेरिएबल कॉस्ट डीपी फिक्स कॉस्ट एनपी लास्ट ईयर का डेटा दो इस सम के हिसाब से छह लाख पचहत्तर हजार वेरिएबल कॉस्ट अगर ट्वेंटी सेवन परसेंट जीपी है तो सेवेंटी थ्री परसेंट वेरिएबल कॉस्ट एक बच्चे को थोड़ा इसे समझना पड़ेगा रे अगर सौ रुपए में माल बेच के सताइस कमा रहे हो तो सेवेंटी थ्री खर्चा हो रहा है यस और नो या तो तुम ये जीपी निकाल के फिर डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट ले लो ये सेवेंटी थ्री परसेंट और ये ट्वेंटी सेवन परसेंट बोलो फोर नाइनटी टू सेवन फिफ्टी और सिक्स सेवन मैं जो चीज मांग रहा हूं वो तो बताएंगे ना वन एट टू टू फाइव जीरो फिक्सड एक्सपेंस था सिक्स टू फाइव डबल सिक्स सेवन था क्या नहीं फिक्सड एक्सपेंस वन वन फोर सेवन फाइव जीरो और नेट प्रॉफिट वन फाइव डबल जीरो देखो ये पहले सही से समझ में आया क्या अरे मैंने दिस प्लस दिस करके ये निकाला यही यही दोनों ऐड करके तो मैंने जीपी मार्जिन कैलकुलेट किया सत्ताईस परसेंट तो या तो तुम एनपी प्लस आईएससी बोल ले या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बोल ले दोनों एक ही बात है सेल से सारा वेरिएबल कॉस्ट हटा जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है उस ग्रॉस प्रॉफिट को कवर कराना है यही ग्रॉस प्रॉफिट को दूसरी तरफ से हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट या स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स एक्सपेंस अब देख क्वेश्चन में क्या बोला ये पच्चीस परसेंट बढ़ेगा आया ना इसको पच्चीस परसेंट बढ़ा सिक्स सेवेंटी फाइव इंटू पच्चीस परसेंट एक सेकेंड सिक्स सेवेंटी फाइव प्लस पच्चीस परसेंट एट फोर थ्री

या कुछ और आ रहा है मेरा प्लस माइनस में मिस्टेक है माइनस सिक्स फोर जीरो फाइव सेवन फाइव ये कितना आ रहा है टू थ्री सिक्स नाइन टू फाइव देख ऊपर भी देख क्या था अरे तुम्हारा सेल भी तीस परसेंट से बढ़ रहा है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी तीस परसेंट से बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली जीपी भी तीस परसेंट से बढ़ रहा है अल्टीमेटली जीपी भी उतना ही बढ़ेगा इसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करो फिक्स्ड एक्सपेंस फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करो वन वन फोर सेवन फाइव जीरो और नया खर्चा लगेगा बोल कितना था नया खर्चा फोर्टी टू फाइव हंड्रेड टोटल बोल वन फाइव सेवन टू फाइव जीरो सेवन नाइन सिक्स सेवन फाइव अब देख बच्चे का जो प्रॉब्लम था इस साल ये दस परसेंट है हाँ या ना सेल्स का नेट प्रॉफिट बट नेक्स्ट ईयर में चेक कर वो दस परसेंट नहीं है क्यों नहीं है सर एक तो फिक्स खर्चा भी बढ़ रहा है फिक्स खर्चा तुमको पता है हायर रेट से बढ़ रहा है शायद इसीलिए ये रेट दस परसेंट से नीचे चला गया नेट प्रॉफिट वॉज टेन परसेंट ऑफ सेल्स बट इस साल मेरा टेन परसेंट से नीचे चला गया रीजन है तीस परसेंट से तो वो तो बढ़ा बट मेरा खर्चा तीस परसेंट से थोड़ा ज्यादा वैल्यू से बढ़ गया एक बार एक चालीस एक चौदह सात सौ पचास का तीस परसेंट निकालो थर्टी फोर जबकि खर्चा बढ़ा कितना है फोर्टी टू फाइव हंड्रेड हायर रेट से बढ़ा तो इस साल का नेट प्रॉफिट दस परसेंट से नीचे चला गया तो हम नेट प्रॉफिट ये जो बच्चा बोला था ना सर इसको भी तीस परसेंट बढ़ा दो इसको भी 30 बढ़ा दो मैंने बोला वो सही नहीं है। नहीं, ये बच्चा ऐसे बोला था, जरूरी नहीं है जिस रेट से बढ़ा, उतना ही रेट फिक्स एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर बढ़े फिक्स एक्सपेंस हो सकता है बढ़े ही हो सकता है ज्यादा रेट से बढ़े हो सकता है उससे

फिक्स्ड फिक्स्ड एक्सपेंस एक्सपेंस अगर ये भी एक है तो मेरे को इसको भी कवर कराना पड़ेगा क्योंकि जिस दिन आग लगेगा बिजनेस बंद होगा यह खर्चा लगते चला जाएगा बट हम इसको रोक नहीं पाएंगे तो हम इंश्योरेंस कंपनी को चाहते हैं मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट का तो भुगतान हो ही हो और उसके साथ साथ जो ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लगते जा रहा है इसका भी भुगतान मिलना चाहिए यह भुगतान इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि बोलो ये खर्चा रुकने वाला नहीं है तो मेरा दो नुकसान होता है जो माल नहीं बिक रहा है उसके कारण नुकसान हो रहा है और एक फिक्सड एक्सपेंस लगते चला जा रहा है उसके कारण भी मेरे को नुकसान हो रहा है मैं एक बच्चा पूछा सर इसको जीपी मार्जिन में इंक्लूड करके क्यों नहीं कर रहे हो क्योंकि ये उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से मेरा सेल्स या कॉस्ट बढ़ रहा है जरूरी नहीं है कि सर आपका जिस रेट से सेल्स बढ़ेगा उसी रेट से वेरिए फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा अगर वो फिक्स कॉस्ट उसी रेट से बढ़ेगा तो फिर वो फिक्स रहा ही नहीं वो क्या हो गया वेरिएबल हो गया जिस रेट से सेल बढ़ रहा उसी रेट से खर्चा बढ़ रहा है तो फिर वो फिक्स नहीं है फिर वो कौन सा कॉस्ट कॉस्ट है वेरिएबल इसीलिए हम लोग फिक्स कॉस्ट को ना कभी इंक्लूड नहीं करते जीपी मार्जिन में हम लोग फिक्स कॉस्ट जो नया लगने वाला है उसको अलग से ऐड करते हैं ताकि वो कम लगे बेसी लगे जितना भी लगे हम पूरा का पूरा खर्चा कवर करवाना चाहते पुराने साल का खर्चा जो लगा मैंने उसको एनपी प्लस आईएसी करके जीपी मार्जिन निकाल लिया ये जीपी तुम ऐसे नहीं निकाल के ऐसे भी निकाल सकते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तुम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते तो उतना तुम प्रॉफिट कमाते वो प्रॉफिट तुम नेक्स्ट ईयर में भी कमाओगे बट उसको कमाने के लिए एक नया खर्चा लगेगा तो उस नए खर्चे को भी कवर करवाना पड़ेगा तो मेन स्टोरी की नए खर्चे को कवर अलग से क्यों कर रहे हैं क्यों जीपी मार्जिन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो खर्चा कितना भी लग सकता है ऐसा नहीं जिस रेट से जीपी मार्जिन बढ़ेगा उसी रेट से वो खर्चा भी बढ़ेगा इसीलिए उस खर्चे को मैं नीचे अलग से जोड़ रहा हूं कि एडिशनल ये खर्चा लगेगा ताकि हम प्रॉफिट कमा सके मान लो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे पर आग लग गया पूरा बारह महीने का इंश्योरेंस कंपनी तुमको भुगतान करेगा उस समय तुम इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगोगे नंबर वन जो सेल का नुकसान हुआ उसका ग्रॉस प्रॉफिट नंबर टू सर ये जो हम लोग एडिशनल नया खर्चा कर रहे हैं ये नया खर्चा भी दीजिएगा क्योंकि ये नया खर्चा भी मैंने कवर करवाया है और ये मेरा लग रहा है इसको हम रोक नहीं पाएंगे जो पुराना फिक्स्ड एक्सपेंस था उसको मैंने जीपी में कवर कर लिया बट जो नया फिक्स्ड एक्सपेंस है वो जीपी में नहीं कवर होगा वो एडिशनली मैं लूंगा और उसका अगर कोई नुकसान हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी मेरे को एडिशनली उसका पेमेंट करेगा इसीलिए मेरे को उसको अलग से लेना पड़ रहा है मैं उसको उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर इसीलिए ये फॉर्मूला बना देख क्या फॉर्मूला बनाया था फॉर्मूला बनाया था जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स कितना नेक्स्ट ईयर सेल होने वाला है उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नंबर टू कितना एडिशनल मेरे को खर्चा लगेगा ताकि मैं ये सेल अचीव कर सकू मेरे को इसका भी एडिशनल खर्चे का भुगतान चाहिए क्योंकि जिस दिन बिजनेस बंद होगा ये खर्चा पॉकेट से लगेगा इंश्योरेंस कंपनी मेरा ये भी नुकसान होगा ये भी आपको भरना पड़ेगा सत्तर परसेंट तीस परसेंट का तो नुकसान हो ही रहा है जीपी का ये भी एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है इसको भी भरिए क्योंकि ये खर्चा भी मेरे पॉकेट से लग रहा है जबकि बिजनेस चल नहीं रहा है इसीलिए जब अपने पहले शुरू किया था ना मैंने फर्स्ट लाइन लिखाया था कवर तो ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे बट उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होंगी एक नेट प्रॉफिट और दूसरा फिक्स्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस या स्टैंडिंग चार्ज वो मेरे को अलग से कवर करवाना पड़ेगा क्यों कवर कराना पड़ेगा वो भी सर नुकसान होगा जब आपका बिजनेस बंद रहे आज मान लो फिर कोरोना आ जाता है छह महीने के लिए मान लो तो मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट का नुकसान है वो तो है ही है जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो तुम लोग को पढ़ाके मेरा प्रॉफिट आता था दूसरा ये जगह का भी रेंट देना पड़ेगा जिसका कोई यूज सर अगर वो छह महीना ये जगह बंद हो जाता जगह का रेंट नहीं लगता तो फिर मैं बोलता फिर जीपी का नुकसान है और कोई नुकसान नहीं जो तुम लोगों को पढ़ा के जीपी कमाता हूं बस उतना ही नुकसान है बट अगर ये जगह का रेंट लगते रहेगा तो वो जीपी भी जा रहा है और ये फिक्स कॉस्ट भी लग रहा है मेरे को दोनों को कवर करवाना पड़ेगा इसीलिए हम लोग इन दोनों को अलग अलग एड कर और सबसे इजी याद रखने का तरीका तुम बताओ तुम लॉस दो पार्ट में कैलकुलेट करते थे स्टेप वन क्या कैलकुलेट करते थे, sales, क्या करते थे? वही दो यहां कवर वो अलग चीज था वो था आग लगने के बाद बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो एडिशनल एक्सपेंडिचर धन्यवाद कंप्लीट ये हो गया मेरा क्वेश्चन ट्वेल्व होमवर्क क्या है नाइन एंड इलेवेन लिख लो होमवर्क नाइन एंड इलेवन आंसर क्या आया? टू सेवन नाइन फोर टू फाइव हाँ करेक्ट गुड टू सेवन नाइन फोर टू फाइव अब तुम लोग से पूछ रहा हूं डिपार्टमेंट स्टार्ट करूं या मंडे को स्टार्ट करूं सुनो ये सबसे नहीं पूछ रहा हूं जो बीकॉम का एग्जाम दे के आए हैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूं जो कॉलेज का बीकॉम का एग्जाम दे के आए हैं सिर्फ सुनो बातचीत बंद वो बच्चे हाथ उठाएं जो ये बोल रहे डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए वाले नहीं उठाएंगे हाथ जो सिर्फ बीकॉम का एग्जाम देकर आए हैं बस ठीक है और वो हाथ उठाए जो चाहते हैं नेक्स्ट दिन स्टार्ट हो जेवियर्स वाले नहीं उठाएंगे हाथ कहां थकते हैं नहीं तब तो हम बोलते हैं ना कि हम इजी चीज करवा देंगे और सुनो और जेवियर्स वाले बच्चे तो हम सुना बहुत तेज होते हैं उन लोग के लिए बंद करने का दरकार नहीं होता ठीक है सुन 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 छोड़ छोड़ बातचीत बंद कर हाँ हाँ एक चीज ऐसे भी मेरे को कराना था मैं भूल गया एक सेकेंड सुनना मे ट्वेंटी थ्री का आर टी पी आया हुआ है ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन दिया है उन्होंने फटाफट बैठ के सारे बच्चे सॉल्व करेंगे मैं ग्रुप में भेज रहा हूं मे 23 का आरटीपी सॉल्व करके खत्म करो आपके मोबाइल में आ गया ये अगर किसी को यहाँ देखने में प्रॉब्लम है दे कैन यूज देयर मोबाइल फ़ोन गलती करोगे ध्यान से क्वेश्चन टेन है हाँ। आरटीपी क्वेश्चन नंबर टेन गलती करोगे तुम लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है बनाओ मेमो ट्रेडिंग पीपी मार्जिन दिया हुआ है पढ़ने से नहीं होगा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा बनाओ हो जाएगा बनाओ ना तुम लोग यही तो तुम लोग खेला खराब कर देता है सबका चुपचाप बैठ के बनाओ कुछ बोलने का जरूरत नहीं गलती करने दो ऑनलाइन में बच्चों का आंसर आ रहा है सिक्स फोर ट्रिपल टू लॉस सेवेंटी वन फाइव हंड्रेड हाँ क्या है परचेज कितना लिया और ठीक है टेल्स ठीक है मैनेजर सैलरी हटाया तब तो फिर कुछ है नहीं वही आना चाहिए 83500, थ्री फाइव हंड्रेड कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा मैं एक चीज चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में बताना इफेक्ट क्या होगा चेंज का मतलब तुमको करना नहीं है अगर यहां पे लिखा हुआ रहता बातचीत बंद एक बार परचेज में देखो क्या है परचेज थ्री वन सेवन इंक्लूडिंग परचेज ऑफ चालीस हजार फॉर विच परचेज इन वॉइट नॉट रिसीव दो दी गुड्स रिसीव इन दी गोडाउन गुड्स आ चुका था इनवॉइस नहीं आया को किससे मतलब है गुड्स से मतलब है अगर गुड्स आ चुका है तो वो परचेज में इंक्लूड होना चाहिए और ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो कुछ करने का दरकार परचेज से फ्री सैंपल माइनस कर दे परचेज रिटर्न माइनस कर दे ठीक सेल्स में देख क्या लिखा एक्सक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस सेल वैल्यू पैतीस इसमें एक्सक्लूडेड है मतलब इंक्लूडेड नेक्स्ट लाइन में बोला अप्रूवल रिसीव हो गया तो तुमने इंक्लूड कर दिया कि ये भी सेल हो गया मान ले लाइन लिखा हुआ रहता अप्रूवल नॉट रिसीव्ड तो भी सर ऐड कर दीजिए क्योंकि माल तो उसी के पास है माल हमारे पास तो भी हम चाहेंगे तो ऐड कर देंगे और उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा कोई बच्चा अगर चाहता है ऐड नहीं करना सेल से तो फिर वो अलग से लिखाएगा बाई गुड्स विद कस्टमर इतने रुपए का गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है कॉस्ट पर अगर क्वेश्चन में ये दे दिया अप्रूवल नॉट बीन रिसीव्ड अभी तक आया नहीं अप्रूवल तो इसका दो ट्रीटमेंट एक तो सेल्स में इंक्लूड रहने दे छोड़ दे दूसरा सेल्स से अगर हटाना है तो हटा दे फिर गुड्स विद कस्टमर अलग से दिखा दे एग्जाम में क्या करेगा इस बार कुछ नहीं किया हम लोग पहला वाला में ना परचेज एक्सक्लूडिंग परचेस पड़े थे वो इंक्लूडिंग बोल दिया इधर सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स पड़े थे वो इंक्लूडिंग को एक्सक्लूडिंग बोल दिया खाली क्वेश्चन इतना सा घुमाया है एक बार देखो आंसर क्वेश्चन नंबर टेन राइट right ही होगा गलत नहीं होना है तुम्हारा बट एक बार चेक कर लिया करो 83,500 का क्लोजिंग स्टॉक डन फिर उसके बाद लॉस 71,500 फिर देख क्या लाइन लिखा है वो सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एवरेज क्लॉज विल मैं हमेशा बोलता हूं लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा क्लेम का अमाउंट आ गया सिक्स फोर ट्रिपल टू आ गया ये वाला तेरा क्या कैलकुलेशन मिस्टेक था धन्यवाद ये आपका मे ट्वेंटी थ्री का आरटीपी खत्म हो गया आप वापस करने मत बैठिएगा इट्स डन ठीक है आपका होमवर्क मैं बोल रहा हूं ये होमवर्क ना ऐसा होमवर्क है जिसको करना क्या इच्छा है वो करना जिसको नहीं करना है वो मत करना हाँ नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं अपने बाद में बात करेंगे लास्ट फाइव टर्म्स का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना डेली एक क्वेश्चन एक बार में बैठ के पांच बनाने का जरूरत नहीं है नेक्स्ट चैप्टर मंडे से डिपार्टमेंट चालू करूंगा डिपार्टमेंट में मान लो पांच दिन लगेगा तुम पांच दिन रोज एक इंश्योरेंस क्लेम सॉल्व करोगे तब तब तक तुमको इंश्योरेंस क्लेम लर्न हो जाएगा सुन, अब बच्चा बोल रहा है, मैं वो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना के अब बच्चा बोल रहा है सर फिर डिपार्टमेंट का होमवर्क कौन करेगा तुमको ही करना है मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन दो रीजन से सॉल्व करवाता हूं एक तो एक चैप्टर प्रैक्टिस हो जाए दूसरा तुमको ये समझ में आए कि जो पढ़े हैं वो एग्जाम के लिए सफिशियंट है या नहीं है उन पांच एग्जाम में अगर तुमको लगे सर कोई एक क्वेश्चन ऐसा था जो एकदम पार चला गया बताइए वो क्लास में कर लेंगे बात खत्म हो गया मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा लेट सी आप कीजिए उसके बाद देखते हैं मैं पांचों एग्जाम के पेपर का पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा बार बार मत मांगिएगा टेलीग्राम ग्रुप में ही रहेगा ठीक समरी बुक अभी नहीं समरी बुक एक हफ्ते बाद आज समरी करा देंगे तुमको सब याद रहेगा एक हफ्ते बाद जब तुम सब भूल जाओगे वापस एक बार रिविजन करना है डिपार्टमेंट के बाद सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे हाँ, देख कितना अच्छा लड़का है आलोक आइए पेज नंबर थर्टी सेवन एक जन बुक दे पेज थर्टी सेवन ये लिखवा लीजिएगा और पता नहीं क्यों जो इम्पोर्टेंट बोलेंगे उसी से कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आ सकता है बहुत हाई चांसेस घर पे सिर्फ यही क्वेश्चन बनाएंगे वापस पूरा चैप्टर नहीं बनाएंगे कल एक तो कौन सा क्वेश्चन uh, कल वो हाँ सेवेंटीन वैसे चांस कम है आठ स्टैंडर्ड टर्नओवर किसमें किस में निकालना पड़ा था रे एटीन में ना अब 22 क्वेश्चन में हम लोग आ गए आठ में टोटल 22 क्लास में किए अब 22 में आठ छाट दिए मैंने तुमको प्रैक्टिस के समय सिर्फ यही आठ करना है तुमको पूरा 22 वापस नहीं करना है डोंट डू देम वो तुम लिखोगे जो तुमको लगे तुमसे नहीं बना या तुमको डिफिकल्ट लग रहा है ये एग्जाम से पहले मेरे को देख के जाना पड़ेगा मत सी कॉलम तुम भरोगे इसको भी और छाट लेंगे Done, bye bye, online.